कक्षा 10 मैं आरएस प्रसाद सर आज गणित में दो चरों का रैखिक समीकरण कराने जा रहा हूं। इसकी प्रश्नावली 2 और भाग 2 है। चलिए देखते हैं इसमें भाग 2 में जो बचा हुआ था वो पूरा हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 4 है। निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। सो नंबर 1 ये समीकरण दे रखी है, x प्लस वाई बराबर 7 समीकरण नंबर 1 हो गई, और x माइनस वाई बराबर माइनस 1 ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ के देखते हैं क्या हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 7 होगा, x माइनस वाई बराबर माइनस 1 होगा। जब जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यहां बचेगा 2x और यहाँ पे 6 बच जाएगा। तो x बराबर 6 बटे 2 होगा, 2 एकम 2, 2 3 6, तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान, ये समीकरण नंबर 1 है, तो x का मान 3 हो जाएगा, 3 प्लस y बराबर 7 हो जाएगा। तो y बराबर कितना होगा, 7 माइनस 3, तो y बराबर 7 में से 3 गए, 4 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, x का मान आपका 3 आया और y का मान 4 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है, 2x प्लस वाई बराबर 8 है, समीकरण नंबर 1 है, और x माइनस 2y बराबर माइनस 1 है। इन दोनों को भी हल करते हैं, देखते हैं कैसे हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, समीकरण 1 में 2 की गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए समीकरण 1 में 2 की गुणा करिए, तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 2y बराबर 8 दुने 16, और ये इसमें जोड़ना है, तो x माइनस 2y बराबर माइनस 1 है। जोड़ेंगे तो ये 2y से 2y कट जाएगा, 4 और 1 5x हो जाएगा, और यहाँ पे 15 बचेगा। तो x बराबर 15 बटे 5, 5 एकम 5, 5 तीन 15, तो x बराबर 3 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, 1 में, 1 में कितना है, 2 गुणा एक्स है, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, प्लस का वाई बराबर 8, तो ये हो गया 6 प्लस वाई बराबर 8, तो वाई बराबर हो जाएगा 8 माइनस 6, यानी वाई का मान 2 आ गया। इसलिए एक्स का मान कितना है हमारे पास, 3, और वाई का मान 2 आ गया, और यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये तीसरा है, फिर समीकरण दे रखी है यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, 4x प्लस 3y बराबर 5 है, और 2x माइनस y बराबर 2 है। अब इसमें भी ऐसे ही करना है हमें, तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में मतलब इसमें 2 से गुणा करके समीकरण 1 को, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए 2 में 2 से गुणा करिए, तो ये हो जाएगा 4x और माइनस का हो जाएगा 2y बराबर 4, इसमें 2 से गुणा कर दी गई। अब इसके नीचे क्या लिखना है, 4x प्लस 3y है बराबर 5, घटा दीजिए इसको, तो घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये कितना बच जाएगा, 4x से 4x कट जाएगा, माइनस का ये 5y हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो 5y बराबर हो गया 1, तो y बराबर हो गया 1 बटे 5। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4x है प्लस का 3y है, y का मान 1 बटा 5 रख दिया गया, और यहाँ 5 आ गया, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 बटे 5 हो जाएगा,
तो 4x बराबर यहाँ पे 5 लघुत्तम आएगा, तो यहाँ 25 माइनस 3 हो जाएगा, तो 4x बराबर 25 में से 3 गए कितना बचा 22/5, तो x का मान हो जाएगा 22/5 और यहाँ 4/2 में आ जाएगा, 2 दुनी 4 यहाँ 11 आ जाएगा, तो x का मान आ गया 11/10। इसका मतलब क्या हुआ, x का मान तो 11/10 है और y का मान 1/5 आ गया। इसको आंसर लिख दीजिए। अगला प्रश्न ये एक और दिखाई दे रहा है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो देखिए इसमें क्या गुणा करनी पड़ती है, समीकरण 1 में अंडर रूट 5 की गुणा करिए और इसमें अंडर रूट 11 की गुणा कर दीजिए और जोड़ दीजिए। समीकरण 1 में अंडर रूट 5 तथा समीकरण 2 में अंडर रूट 11 से गुणा करके जोड़ने पर, चलिए गुणा कर दीजिए। पहले ऊपर अंडर रूट 5 से गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, तो अंडर रूट 35 हो गया एक्स, और प्लस हो जाएगा अंडर रूट 55 वाई बराबर 0, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे करनी है अंडर रूट 11 से, तो 11 तिया 33 हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे माइनस का अंडर रूट 55 हो जाएगा वाई बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसको जोड़ते हैं तो ये वाई कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 35x प्लस अंडर रूट 33x बराबर 0, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 35 प्लस अंडर रूट 33 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 0/ अंडर रूट 35 प्लस अंडर रूट 33, तो x का मान 0 आ गया। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए समीकरण 1 में, तो अंडर रूट कितना है 7 है, एक्स का मान 0 हो जाएगा प्लस अंडर रूट 11 है वाई के साथ 0 हो जाएगा, तो ये 0 प्लस अंडर रूट 11 वाई बराबर 0, यानी अंडर रूट 11 वाई का मान 0 हो जाएगा, तो वाई का मान भी 0 हो गया। इसका मतलब एक्स का मान 0 और वाई का मान 0 आएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, पांचवा प्रश्न है, ये दिया हुआ 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपये है, 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपये है, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए। 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का, तो पहले मान लेते हैं, माना 1 किलोग्राम चाय का मूल्य बराबर एक्स रुपए और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य बराबर वाई रुपए। अब देखो प्रश्नानुसार क्या क्या कहा गया है, पहले 15 किलोग्राम चाय तो 15x हो जाएगा, प्लस 17 किलोग्राम कॉफी तो 17y हो जाएगा बराबर 183, ये 183 और समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। ऐसे ही 25 किलोग्राम कहा गया है तो 25x हो जाएगा प्लस 13 किलोग्राम तो ये 13y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 213, ये समीकरण नंबर 2 है, ये 213 दिया हुआ है देखो। चलिए अब देखते हैं क्या होगा, अब इनको हमें हल करना है, तो हल करते समय देखते हैं कैसे होगा, तो ऐसी गुणा करनी है कि दोनों के मान बराबर हो जाएं, तो देखते हैं कैसे गुणा हो सकती है। तो समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दें, इसमें 3 से गुणा कर दें तो x बराबर हो जाएंगे, तो लिखना है यही, समीकरण 1 उठा देता चलिए घटाइए इसको देखते हैं क्या आएगा। पहले 5 इसमें गुणा कर दीजिए तो 15 5 75 हो जाएगा एक्स, 41
बाकी 5 एकम 5 हो जाएगा और 4 और आया था तो 9 आ जाएगा, 5 40 का 4 जो आया था 41 का, ये इसमें अब गुणा करनी है 3 की, तो 25 तिया 75 हो जाएगा एक्स, इसमें भी 3 की कर दीजिए तो 13 तिया 39 हो जाएगा वाई, इसमें भी 3 की गुणा कर दीजिए 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दुनी 6 हो जाएगा। अब इसको देना है घटा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो पूरा कट जाएगा और यहाँ 5 में से 9 यानी कि 15 में से 9 गया तो 6 बच जाएगा, और यहाँ बच्चा 7, 7 में से 3 गया तो 4 बच जाएगा वाई। अब इसको भी घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 15 में से 9 गया 6 बचा, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 3 गया तो 7 बच जाएगा, यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 6 गया दे करके, तेईस से इसको काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा, तो y बराबर 6 आ गया। y का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, एक में रखने पर, एक पर रख दीजिए, इसमें ये है 15x है तो 15x हो जाएगा, प्लस का 17y है तो 6 से गुणा हो जाएगी इसमें, और ये 183 हो जाएगा। यहाँ पे 5 आएगा, तीन पंजे 15 और इसको काट दीजिए, 3 दुनी 6 और 2 बचा 3 सत्ते 21, तो यानी ये आ गया 27/5, 5 से इसमें भाग कर दीजिए तो 5 पंजे 25 और बचा 2 और 5 चौक 20, यानी एक्स का मान 5.4 है। लेकिन हमें जो निकालना है, यहाँ एक्स और वाई दोनों के मान निकल गए हैं, तो एक्स का मान 5.4 आया यानी एक्स बराबर है 5.4 और वाई बराबर 6 है। देख लीजिए इसमें y का मान 6 आया हुआ है और x का मान 5.4 है। हमें क्या चाहिए, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य है, तो देखते हैं 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य, ये जो हो जाएगा 7x+y हो जाएगा, तो 7x का मान रख दीजिए 5.4 और प्लस वाई का मान 6 रख दीजिए, 7 चौक 28 को 8 हासिल 2 और 7 पंजे 35 और 2 37.8 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसमें, ये 8 तो ऐसे आएगा, 6 और 7 13, 3 और 1 4, इतने रुपए हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। चलिए यहाँ पे छठा प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 तथा पैरों की कुल संख्या 180 है, बताइए व्यक्ति के पास कितनी गायें व कबूतर हैं। तो मान लेते हैं, माना व्यक्ति के पास एक्स गायें व वाई कबूतर हैं, ये हमने मान लिया है। अब इसको देखते हैं, जिनकी आंखों की कुल संख्या, तो आंखें दोनों के पास दो ही दो होती हैं, तो 2x हो जाएगा और 2y हो जाएगा, कुल कितनी है आंखें 120, देखो यहां ध्यान दिया, ये 120 दिया हुआ है
तो ये कुल आके 120 हैं। तो ये दो से भाग कर देते हैं इसको, तो x प्लस वाई बराबर 60 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर एक हो गई। कुल पैरों की संख्या देखो, तो गाय के पास चार पैर होते हैं तो 4x हो जाएगा, कबूतर के पास दो ही पैर होते हैं तो 2y हो जाएगा। कुल कितने हैं ये 180 हैं। अब इसमें भी दो से भाग कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 2 × 18, ये 0। समीकरण नंबर दो हो गई। समीकरण एक में से समीकरण दो या समीकरण दो में से समीकरण एक? समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर घटा दीजिए, 2x प्लस वाई बराबर 90 है और ऊपर x प्लस वाई बराबर 60 है। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे और y और y कट जाएगा, 2x में से 1x गया, x बच गया, और 90 में से 60 गया तो 30 बचेगा। अब क्या करना है, x का मान समीकरण एक में रखने पर रख दीजिए, एक में रखेंगे तो कितना आएगा, x का मान तो 30 है, y बराबर कितना हो गया 60, तो y बराबर हो गया 60 माइनस 30, तो y का मान 30 आ जाएगा। इसका मतलब 30 30 ही है सब कुछ। तो गाय कितने हैं, गायों की संख्या बराबर 30 और कबूतरों की संख्या ये भी 30 है, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। चलिए सातवां प्रश्न है, एक थैले में 50 पैसे के और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं, यदि थैले में कुल 29.75 रुपए हैं तब बताइए थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं, माना थैले में 29.75 है, जरा देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 50 पैसे से जो मूल्य बनेगा वो 50x हो जाएगा और 25 पैसे से जो मिलेगा वो 25y हो जाएगा, और कुल कितने हैं 2975। सबको पैसे में बदल दिया गया, 25 से भाग दे देते हैं इसको, 25 दूनी कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं भाग दे करके। 25 से भाग देने पर, यहाँ पे 25 से भाग देने पर दीजिए तो 50x बटे 25 हो जाएगा प्लस 25y बटे 25 हो जाएगा बराबर 2975 बटे 25 हो जाएगा। तो ये तो 25 से 25 कट जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कट ये 5×5=25 और 5×5=25 4 हो जाएगा, 5×9=45 2 बच जाएगा और 5×5=25 फिर 5 से काट दीजिए तो 5×5 हो जाएगा और फिर 5×5 आ जाएगा 4 हो जाएगा, 5×9=45 तो कितना आ गया 2x प्लस वाई बराबर 119। ये समीकरण नंबर दो हो गई। समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर तो ये हो जाएगा समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, जरा घटा दीजिए देखते हैं कितना हो जाएगा। तो यहाँ है 2x प्लस वाई बराबर जाएगा 119 और दूसरा है x प्लस वाई बराबर है 94। घटाएंगे तो घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं तो y से y कट जाएगा, यहाँ केवल x बच जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, यहाँ बचा 11, 11 में से 9 गया तो 2 आ जाएगा। तो x का मान अब किसी एक समीकरण में रख दो, x का मान समीकरण एक में रखने पर
रख दीजिए, एक में 25 हो जाएगा, प्लस का वाई बराबर 94 है, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 94 माइनस 25 कितना आ जाएगा, ये 14 में से 5 गया 9 बच जाएगा, और यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया तो 6 आ जाएगा। तो 25 पैसे की संख्या कितनी हो गई और 50 पैसे को कितनी आ गई, समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर कितनी है, जो x का मान आया था, x का मान 25 आया था, तो ये 25 हो जाएगा, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो गया 69। यही दोनों आंसर होंगे, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं, ये 8वां प्रश्न है। दो संख्याओं का योग 25 है, तो पहले मान लेते हैं, माना संख्याएं x व y हैं, तो पहले योग कह रहा है, तो x प्लस y का मान कितना हो गया, 25 हो गया, और ये समीकरण नंबर एक हो गई। इसके बाद इनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब 1/x प्लस 1/y का मान कितना दिया है, 1/4 दिया हुआ, ये दिया इनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। चलो देखते हैं इसमें, इसका लघुत्तम ले लीजिए कितना आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ वाई प्लस एक्स बराबर 1/4 हो जाएगा, यहाँ वाई प्लस एक्स का मान फिर से 25 है, तो 25 रख दीजिए, और यहाँ एक्स वाई है बराबर कितना हो गया, 1/4, तो एक्स वाई बराबर 25 × 100 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये समीकरण नंबर दो हो गई। समीकरण एक से वाई का मान निकालेंगे, समीकरण एक से y बराबर 25 माइनस एक्स समीकरण दो में रखने पर रख दीजिए, तो पर ये x है और कितना हो गया, 25 माइनस एक्स बराबर कितना है, 100 हो गया, तो ये 25x हो जाएगा, माइनस का x का वर्ग हो जाएगा बराबर 100 हो गया। अब सबको उधर ले चलते हैं, तो x का वर्ग माइनस का 25x और प्लस का ये 100 आ गया बराबर 0। अब इसमें हम गुणनखंड करेंगे या इसका कुछ और कर सकते हैं, तो वो भी कर लीजिए। तो यहाँ 20×5=100 से गुणनखंड हो रहा है मेरा, कर दे रहा हूँ मैं, तो x माइनस 20x हो जाएगा और माइनस का ही 5x हो जाएगा, प्लस 100 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 20 बच जाएगा, माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 20 बच जाएगा बराबर 0, तो x माइनस 20 ले लीजिए, तो एक में x माइनस 5 बच जाएगा बराबर 0। तो जब लेंगे x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर 20 हो जाएगा, तो y बराबर भी निकल जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 20 यानी कितना हो गया, 5 हो जाएगा। तो यहाँ संख्याएँ क्या हो जाएगी, संख्याएं हो जाएंगी 20 व 5, तो ये आंसर हो गया है। या एक दूसरा ले सकते हैं, इसके लिए कर सकते हैं, जब x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 25 माइनस 5 यानी 20 हो जाएगा, इसलिए संख्याएं क्या हो जाएंगी, यहाँ पे संख्याएं हो जाएंगी 5 व 25 5 व 20। तो चाहे ये आंसर लिख लो चाहे ये वाला आंसर लिख लो, दोनों ही आंसर सही होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 9। दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनके वर्गों का अंतर 448 है, देखते हैं क्या हो जाएगा। माना संख्याएं x व y हैं, तो क्या हो जाएगा, अंतर दे रखा है, तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 14, समीकरण नंबर एक हो जाएगी, और वर्गों का अंतर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 448, ये समीकरण नंबर दो हो गई। अब क्या करेंगे, समीकरण एक से वाई का मान निकाल लेंगे, समीकरण एक से वाई बराबर कितना रखना है, एक्स माइनस 14 समीकरण दो में रखने पर रख दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर है माइनस इतना कितना है, एक्स माइनस 14 इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना है, 448। अब इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, इसको एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, तो एक्स एक्स माइनस 14 हो जाएगा
और दूसरी बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स प्लस 14 हो जाएगा बराबर 448। तो देखिए यहाँ पे 2x माइनस 14 हो गया और यहाँ x से x कट जाएगा, केवल 14 बचेगा और ये 448 हो गया। तो 2x माइनस 14 बराबर कितना हो गया, 448 बटे 14 कटता है। तो देख लेते हैं, 2 × 7 = 14 और 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 7 से कटता है देख लेंगे। तो 7 × 3 = 21, 1 बचा और 7 × 2 = 14। देखते हैं इसको हल करके कितना आ गया, 2x माइनस 14 बराबर कितना आ गया, 32। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 32 प्लस 14 हो जाएगा। तो 2x बराबर 4 × 2 = 6 हो गया, 3 × 1 = 4 हो गया। तो x का मान हो जाएगा 46/2, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो x बराबर कितना हो गया, 23 हो गया। अब x का मान निकल गया, तो x का मान निकल गया तो y का भी मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 23 − 14। तो कितना आ गया, चलते हैं 10वां प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, उनका योग 14 है। तो पहले मान लेते हैं, माना संख्याएं x व y है, तो पहले योग वाला ही ले लीजिए, यानी x प्लस y का मान 14 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब उनका गुणनफल यानी x गुणा वाई कितना है, 45 है, तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे, समीकरण 1 से y बराबर 14 माइनस एक्स, समीकरण 2 में रखने पर चलिए रख दीजिए, तो ये x हो जाएगा और y का मान कितना है, 14 माइनस एक्स है बराबर कितना हो जाएगा, 45। अंदर गुणा कर दीजिए तो 14x हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 45। इसको उधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 14x हो गया और प्लस का 45 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करने हैं तो 14 आ जाए जिससे, तो 9 × 5 = 45 से हो जाएगा गुणनखंड, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x हो जाएगा और माइनस का 5x प्लस 45 बराबर 0। इसमें से x कॉमन आएगा तो x माइनस 9 हो जाएगा, माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस 9 होगा और x माइनस 5 होगा बराबर 0। यहाँ लेंगे जब x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9 हो जाएगा, तो y का भी मान निकल जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 14 माइनस एक्स था तो 14 माइनस 9 बराबर 5 आ जाएगा। इसलिए संख्याएं आ गई, यहाँ पे संख्याएं कितनी होगी, 9 व 5। तो एक आंसर यही हो गया। दोबारा लेंगे हम, जब क्या था, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 14 माइनस 5 ये 9 हो जाएगा। इसलिए संख्याएं क्या हो जाएंगी, यहाँ पे 5 व 9 होंगी। तो ये आंसर रहेगा, चाहे ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे वाला, मतलब एक ही है इसका। अब आ जाओ 11वें प्रश्न पे, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी, मेरे पुत्र व मेरी पुत्र की मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो मान लेते हैं, माना मेरी वर्तमान उम्र बराबर एक्स वर्ष और मेरे पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर वाई वर्ष, ये दोनों हमने मान लिया है। अब इसमें प्रश्नानुसार चलेगा, क्या प्रश्न में बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व में दोनों की आयु में से 5-5 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें से भी 5 कम हो जाएगा। हाँ, 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, मतलब इसकी आयु तिगुनी थी, तो इसको 3 से हम गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दीजिए तो x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3y माइनस 15। इसको इधर ले आओ तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 15 कितना हो गया, x माइनस 3y बराबर हो गया
माइनस का 10, ये समीकरण नंबर एक हो गई। दूसरी शर्त में क्या कहे, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु जुड़ जाएगी, यानी इसकी x प्लस 10 हो जाएगी और इसकी y प्लस 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो चलिए x प्लस 10 बराबर इसकी गुणा कर दिए, 2y प्लस 20 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10। अब इसको सही कर लीजिए तो x माइनस 2y बराबर कितना आ गया, 10 बच गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है, तो समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दीजिए समीकरण एक, x माइनस 2y बराबर 10 है, समीकरण 2, ये समीकरण 2 घटाइए जरा इसमें, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा, और ये 10 और 10 20 हो जाएगा। y का मान कहीं रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहीं पर भी रख सकते हैं, देखिए समीकरण 2 ऊपर है, तो x माइनस 2 गुणा वाई का मान 20 है बराबर 10, तो x माइनस 40 बराबर 10 हो गया, तो x बराबर हो गया 40 प्लस 10, यानी x बराबर 50 हो जाएगा। तो मेरी वर्तमान उम्र बराबर 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर कितना हो गया, ये 20 वर्ष, यही आपका आंसर है। ये प्रश्न नंबर 12 है, इसको भी देख लेते हैं जरा क्या दिया हुआ है इसके अंदर। दो स्थानों ए और बी की दूरी 70 किलोमीटर है, दो स्थान है, मान लिया ये एक स्थान ए है और ये बी है, तो इनके बीच की जो दूरी दे रखी है ये 70 किलोमीटर है। चलिए ठीक है, दो कारें ए व बी से चलना प्रारंभ करती हैं, यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तब 7 घंटे में, और यदि एक दूसरे से मिलती हैं और यदि एक दूसरे की ओर चलती हैं तब 1 घंटे बाद मिलती हैं, कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो सूत्र हमें लगाना है चाल बराबर दूरी बटा समय का, चाल बराबर दूरी बटा समय, सूत्र यही लगेगा। पहला है फर्स्ट केस जो कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि जब एक ही दिशा में चलती हैं, जब एक ही दिशा में चलती हैं, तो इनकी अपेक्षित चाल लेनी पड़ेगी, तो ये चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी जब एक ही दिशा में चलेंगे, और दूरी कितनी है 70 है, और बटे में समय कितना ले रहा है 7 घंटे, तो 7 से इसको भाग कर देंगे, तो x माइनस वाई बराबर 10। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जरा जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये x माइनस वाई बराबर 10 है, x प्लस वाई बराबर 70 है, जोड़ते y से y कट जाएगा, तो 2x बराबर 80 हो जाएगा, तो x बराबर 80 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी 40 हो गया, x का मान 40 हो गया।
देखो एक्स का मान तो 40 आ गया, अब एक्स का मान इस वाले समीकरण में रख देते हैं, ये समीकरण दो थी, तो चलिए लिखते हैं समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर, रख दीजिए, ये 40 प्लस वाई बराबर 70 है घंटा, यही दोनों आंसर हो जाएंगे। चलो देखते हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। एक विद्यालय में दो कमरे ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेजे जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेजे जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। माना ए कमरे में 1 कमरे में विद्यार्थियों की संख्या x और b कमरे में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y। अब इसमें शर्तों को लेकर चलते हैं प्रश्नानुसार। पहला कह रहा है कमरे ए, हाँ जब कमरे ए से 10 विद्यार्थी b में भेजे जाते हैं तो a में x थे और b में y थे, ए से भेजेंगे तो यहाँ 10 कम हो जाएगा और बी में 10 बढ़ जाएंगे, भेजे जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। अब ये समान हो गई, तो इसको एक्स माइनस वाई ले आइए इधर, और यहाँ 10 प्लस 10 हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई बराबर 20 हो जाएगा, समीकरण नंबर एक हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, हाँ जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेजे जाते हैं, अब B से A में जा रहे हैं तो ये X से इसमें आएगा 20 बढ़ जाएंगे और इसमें से 20 कम हो जाएंगे, तो A के विद्यार्थियों की संख्या B से दुगनी हो जाती, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो X प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 2Y माइनस 40, इसको इधर ले आओ, तो X माइनस 2Y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 40 है और माइनस का ही 20 हो जाएगा ये, तो ये हो गया x माइनस 2y बराबर माइनस का 60, ये समीकरण नंबर दो हो गई। अब क्या करना है, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर देखिए जरा, x माइनस y बराबर कितना दिया है 20, और इधर क्या है x माइनस 2y बराबर है माइनस का 60, जरा घटा देते हैं, तो घटाते समय चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये x x कट जाएगा और 2y में से 1y गया तो y बचेगा, और ये 60 और 20 80 हो जाएगा। y का मान किसी एक में रख दो, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक कहाँ है ये है, तो x का मान निकल जाएगा, x माइनस 80 बराबर 20 हो गया, तो x बराबर 20 प्लस 80 यानी कितना आ गया 100 आ गया। तो a कमरे में विद्यार्थियों की संख्या, a में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, सौ, और b में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 80, यही दोनों आंसर हो जाएंगे। इसके बाद ये अंतिम प्रश्न आ रहा है इसका, एक आयत की लंबाई 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। जरा देखते हैं, मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई बराबर एक्स, एक्स केवल इकाई दे रहे हैं, नहीं दी है इन्होंने इकाई, और चौड़ाई इसकी जो है वो हमने क्या मान ली वाई इकाई। चलिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल जो है इसका क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा एक्स इंटू वाई। चलो इसमें देखते हैं प्रश्नानुसार क्या क्या रखा,
हाँ, जब आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी करते हैं, यानी एक्स में 5 इकाई की कमी कर दी गई तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई जो है वाई है इसमें 2 बढ़ा दिया गया, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी एक्स वाई में से 80 कम हो जाता है। जरा गुणा कर दीजिए इसकी, तो पहले इसकी इससे गुणा करेंगे एक्स वाई हो जाएगा, फिर इससे गुणा करेंगे 2x आएगा, इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 5y आ जाएगा, 5 × 10 माइनस का 10 आ जाएगा, तो यहाँ एक्स वाई माइनस 80, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, तो ये हो गया 2x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 इधर जाके प्लस का हो जाएगा और माइनस का 80 हो जाएगा, तो ये हो गया 2x माइनस का 5y बराबर माइनस का 70, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब दोबारा देखिए, जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि हो जा रही है, यानी एक्स प्लस 10 हो जा रहा है, और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर देने, तो वाई माइनस 5 हो जा रहा है, क्षेत्रफल इसका एक्स वाई था, तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी अब ये 50 प्लस का हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, ये समीकरण हम जोड़ देते हैं, जरा देखो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर ये कट जाएगा और यहाँ से कितना बच जाएगा, माइनस का एक्स बच जाएगा, और यहाँ से बचेगा माइनस का 40, तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा, यानी एक्स का मान 40 हो गया। एक्स का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये 2 है समीकरण, तो माइनस का 5 × 40 हो जाएगा, प्लस का 10 वाई बराबर कितना है 100, तो ये हो जाएगा माइनस।